दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज आपके लिए हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है इनटेम्परेट लेटर। इनटेम्परेट का मतलब जानिए, ये इसे कहा जाता है कि असंयमित या बेलगाम, जिसमें जो है आपके गुस्से भरे होते हैं, जिसमें आपका जो बात व्यवहार या आपके जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल ही गैर वाजिब है, जिसमें जो है आपको ये नहीं पता है कि आपको आप कहना क्या चाह रहे हैं या अपना जो गुस्सा जो दिखा रहे हैं वो एक तरीके से कहिए इसको असंयमित लेटर यानी कि पत्र। द महाराष्ट्र गवर्नर इज कॉमनलाइजिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो क्या कर रहे हैं, पैंडेमिक को लेकर यानी कि महामारी को लेकर जो सरकार का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है यानी कि राज्य सरकार का, और यहाँ पर राज्य सरकार है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र सरकार की जो प्रतिक्रिया है, उनका जो एक तरीके से पैंडेमिक को लेकर जो एक रिस्पॉन्स है उसको लेकर जो है महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो क्या कर रहे हैं, कॉमनलाइज कर रहे हैं यानी कि उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोशियारी इज इनटेम्परेट लेटर टू चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे इन विच ही मॉक द लेटर, क्वेश्चन हिज फेथ एंड इवन टू जाइव एट सेकुलरिज्म, अ फंडामेंटल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिसग्रेसफुल। यहाँ तक ये वाक्य है। अब देखते हैं हम लोग, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है, राज्यपाल, उनका नाम है भगत सिंह कोशियारी, उनका जो एक इनटेम्परेट लेटर है यहाँ पर देखिएगा ये, ठीक है, क्या है ये एपोस्ट्रॉफी ऐसे, और ये क्या बताता है, पजेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो उनका जो इनटेम्परेट लेटर है यानी कि लेटर यानी कि पत्र, और इनटेम्परेट यानी कि असंयमित लेटर, ये किसको संबोधित किया गया है, चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के उद्धव ठाकरे, उनको संबोधित किया गया है, जिसमें इस पत्र में जो है उसने क्या किया है, ही मॉक द लेटर। लेटर का मतलब क्या हुआ, उद्धव ठाकरे, और फॉर्मर कौन हो गया, भगत सिंह कोशियारी। ये लेटर और ये लेटर में अंतर है, देखिए LETER है या LETER है, ठीक है। ये लेटर होता है पत्र और ये लेटर जो होता है वो आपको पोजीशन बताता है। तो पोजीशन दो व्यक्ति का है यहाँ पर, एक भगत सिंह कोशियारी जो पहले पोजीशन में है, और चीफ मिनिस्टर जो है इस वाक्य में उनका जो है बाद में उनका वर्णन आता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर लेटर उसी के लिए यूज हुआ है। तो उन्होंने इसमें क्या किया, इस लेटर में उन्होंने लेटर यानी कि उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाया, उपहास किया, ठीक है ना, हंसी उड़ाई, क्वेश्चन हिज फेथ, उनके विश्वास का जो है, उनकी मान्यताओं को पर सवाल उठाए, एंड इवन टुक अ जाइव, और उन्होंने जो है चुटकी ली एट सेकुलरिज्म पर, ठीक है ना, सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता पर जो है उन्होंने चुटकी ली, जो कि ये सेकुलरिज्म जो है एक फंडामेंटल टीनेट है, एक जो है कह सकते हैं बेसिक या आधारभूत जो एक विशेषता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। और यह जो है ये लेटर जो है इनटेम्परेट लेटर जो है चीफ मिनिस्टर को जिसको दिया गया है, ये अपने आप में अपमानजनक है, इज डिसग्रेसफुल। इस लेटर रिटन पर्पोटेडली टू सीक एन अर्ली री ओपनिंग ऑफ टेम्पल्स कुड हैव अर्ज्ड दैट विदाउट द एकम्पेनिंग स्कॉर्न एंड डिरीजन, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि उनका जो ये लेटर है, उनकी जो ये उनका ये पत्र जो है जो कि लिखा गया है परपोटेडली मतलब कथित रूप से, टू सीक एन अर्ली री ओपनिंग ऑफ टेम्पल्स यानी कि टेम्पल्स मंदिरों को जो है शीघ्र ही पुनः खोले जाने के लिए मतलब कि उसमें मांग की गई है, सिख मतलब मांग की गई या चाहना। तो ये जो है रिटेन मतलब कि इसको लिखी गई है, या जो है लेटर के बाद जो रिटेन इसलिए है क्योंकि भीतरी में है, और इट वॉज रिटेन बाय समबडी फॉर द पर्पस ऑफ री ओपनिंग द टेम्पल्स, इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है मेन वर्ब है यहाँ पर कुड हैव अर्ज, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है ये इस टाइप से नहीं लिखा गया क्योंकि ये जो है आपके क्लॉज के बारे में यानी कि इस लेटर के बारे में बताया जा रहा है ये क्लॉज। तो ये लेटर जो कि लिखा गया है कथित रूप से किस लिए लिखा गया है, टू सीकन मांग करने के लिए कि जल्द से जल्द खोला जाए मतलब कि फिर से खोला जाए टेम्पल्स को, मंदिरों को, ठीक है। ये लेटर जो है अर्ज कर सकता था, आग्रह कर सकता था, ठीक है ना, इस लेटर में आग्रह की जा सकती थी दैट विदाउट, इस चीज को क्या कर सकता था, यह जो टेम्पल खोलने का जो बात है या जो मांग है इसकी आग्रह की जा सकती थी। दैट का मतलब होता है रीओपनिंग ऑफ द टेम्पल्स, तो इसकी आग्रह कर सकता था इस लेटर में, मतलब इसकी आग्रह की जा सकती थी बिना
इसके विदाउट एकम्पेनिंग स्कॉर्न एंड डिरिजन, ठीक है ना, यानी कि बिना साथ साथ ये जो है स्कॉर्न यानी कि आप कह सकते हैं तिरस्कार या फिर घृणा, ये और डिरिजन का मतलब उपहास, तो बिना कह सकते हैं आप एकम्पेनिंग का जो है जस्ट एक मतलब है यहाँ पर कि उसके साथ साथ, बिना उसके साथ साथ यानी कि उपहास और आपका तिरस्कार के बिना भी इसे जो है अर्ज किया जा सकता था, यानी कि इसके लिए आग्रह किया जा सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ए ट्रॉल वॉरियर बाय डिक्लेयरिंग दैट आवर गॉड एंड गॉडेसेस हैव बीन कंडेम्ड टू रिमेन इन लॉकडाउन एंड वंडरिंग वेदर द सीएम हैज सडनली टर्न सेकुलर। तो ये जो गवर्नर है हमारे, जो राज्यपाल है वहाँ के, उन्होंने खुद को जो है किस स्तर तक गिरा लिया है, एक ट्रॉल वॉरियर, ट्रॉल जो आजकल देखते हैं किसी भी पोस्ट में जो ट्रॉल किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, जिस खासकर ट्विटर वगैरह में या फेसबुक में, तो वो जो ट्रॉल वॉरियर के मतलब कि वॉरियर मतलब योद्धा होता है, तो जो इस ट्रॉल करने वाले जो लोग होते हैं उसको ट्रॉल वॉरियर कहते हैं, तो उस स्तर तक जो है गवर्नर ने खुद को गिरा लिया है। वो कैसे गिराया है, बाय डिक्लेयरिंग यानी घोषणा करके या कहकर कि हमारे जो गॉडेस और गॉड्स और गॉडेस हैं यानी कि हमारे देवी देवताएं जो हैं वो क्या हैव बिन कंडेम्ड, वो अभिशप्त हैं, किस लिए, टू रिमेन इन लॉकडाउन, लॉकडाउन में रहने के लिए वो अभिशप्त हैं, एंड वंडरिंग, और इस बात पर मतलब आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा मतलब पूछा कि क्या जो सीएम है वो अचानक से सेकुलर बन गए हैं, या सीएम वेदर द सीएम ये मतलब वेदर मतलब क्या क्या जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अचानक से सेकुलर बन गए हैं यानी कि धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं। ही रोट टू द सीएम दैट द लेटर यूज टू बी अ स्ट्रांग वोटरी ऑफ हिंदुत्व। उन्होंने लिखा सीएम को, क्या लिखा, दैट द लेटर, लेटर मतलब सीएम, ठीक है, यानी कि उद्धव ठाकरे, ये लेटर यानी कि जो उद्धव ठाकरे जो है हुआ करते थे, यूज टू बी मतलब हुआ करते थे, क्या होते थे, स्ट्रांग वॉटरी ऑफ हिंदुत्व यानी हिंदुत्व के एक मजबूत अनुयायी या आप कह सकते हैं उसके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे ये, एंड साइटेड, और इन्होंने हवाला दिया किस चीज़ का, उनके मंदिर जाने का एज प्रूफ के रूप में, ठीक है ना, प्रूफ के रूप में उन्होंने हवाला दिया उनके मंदिर जाने की यात्रा को, ठीक है ना। दिस फोर्सेस, उनके मतलब चीफ मिनिस्टर के, दिस फोर्सेस द कॉन्क्लूजन, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, दिस फोर्सेस ये निष्कर्ष सामने आता है कि दैट द इंटेंट, ये जो इरादा है, पर्पस, उद्देश्य जो है, प्रीमाइस, इसका जो आधार है इस लेटर का, वो सारे गलत थे। इससे जो है यह कॉन्क्लूजन सामने आता है, दिस फोर्सेस द कॉन्क्लूजन दैट द इंटेंट पर्पस एंड प्रीमाइस ऑफ द लेटर, इस लेटर, इस पत्र के जो हैं इरादे, जो उद्देश्य और आधार जो थे वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि गलत थे, ऑल रॉन्ग। अ पर्सन्स फेथ इन हिंदुइज्म एंड इट्स प्रैक्टिस इज नॉट हिंदुत्व। किसी भी व्यक्ति का जो है मतलब कोई भी एनी पर्सन्स, किसी भी व्यक्ति का जो विश्वास है या मान्यता जो है हिंदुइज्म पर यानी कि हिंदू धर्म पर, और उनका उसके प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब उसको मानना, उसको फॉलो करना, ठीक है, हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को मानना, तो वो जो प्रैक्टिस है और उसका जो विश्वास है, उसका जो मान्यता है हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में, वो हिंदुत्व नहीं होता है, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेसेजेस नो रोल फॉर अ सीएम्स फेथ इन हिज फंक्शनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी इन्विसेजेस नहीं करता है, इन्विसेजेस मतलब होता है कल्पना नहीं करता है किसी भी टाइप की भूमिका का सीएम के फेथ का इन हिज फंक्शनिंग, यानी कि चीफ मिनिस्टर का जो अपनी जो मान्यता है, चीफ मिनिस्टर का जो अपना विश्वास है, उसकी भूमिका उसके कामकाज में होने का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्णन नहीं है, या कोई आप कह सकते हैं कोई भी कल्पना नहीं की गई है, ठीक है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर कैसे फंक्शन करें, उनका जो कामकाज कैसा हो, उसमें जो है सीएम का फेथ जो है, ठीक है, उसका कोई रोल हो, इसकी कोई कल्पना नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, नो है भैया यहाँ पर देख लीजिएगा। मोर ओवर, इसके अलावा इट इज़ नॉट द गवर्नर्स जॉब, ये जो है राज्यपाल का काम नहीं है कि वो इंटरफेयर करे इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक चुनी हुई सरकार के कामकाज में मतलब प्रतिदिन के कामकाज में जो है वो हस्तक्षेप करे, ये गवर्नर का जॉब नहीं है, ये गवर्नर गवर्नर का काम नहीं है।
कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड सीएम, ये जो संचार है या संवाद जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी परफेक्टली सिविल। ये जो है पूरी तरह से सिविल होना चाहिए, मतलब विनम्र होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल और जो है सम्माननीय होना चाहिए, बिसाइड्स बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट। इसके अलावा जो है इसे संवैधानिक रूप से अप्रोप्रिएट, उचित या उपयुक्त भी होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब कहा जा रहा है कि ये जो संचार है सीएम और गवर्नर के बीच, वो पूरी तरह से मतलब कि सिविल और रिस्पेक्टफुल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। एंड मतलब कि बिसाइड्स, मतलब इसके अलावा, ठीक है? एंड एट एनी रेट, एट एनी रेट का मतलब क्या होता है? वॉट एवर हैपन्स, ठीक है, जो कुछ भी हो, और जो कुछ भी हो, या भले ही मतलब जो कुछ भी हो, या हर हाल में कह सकते हैं इसको, जो कुछ भी हो, रेस्ट्रिक्शंस जो है ऑन गैदरिंग्स, गैदरिंग्स मतलब सभा या भीड़, एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा स्थलों में जो भीड़ होती है उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, ये किसके लिए किया गया है? एज अ मेजर टू कॉम्बेट अ पेंडेमिक, ठीक है ना? एक महामारी से लड़ने के लिए एक उपाय के रूप में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं या लगाए गए हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप के गैदरिंग्स में, यानी कि जो पूजा स्थल में जो भीड़ है या फिर जो सभाएं हैं उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, किसके रूप में, किस लिए लगाए गए हैं? तो जस्ट एक पेंडेमिक से लड़ने के लिए लगाया गया है। तो वो जो है रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है ना? वो जो है धर्मनिरपेक्षता के अवधारणा से संबंधित नहीं है, उससे उससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये तो आपको जस्ट महामारी से लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो है ये रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रिलेटेड नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म से, ठीक है? ही इज वॉर्प्ड लॉजिक अपार्ट, उसके जो बिगड़े हुए या कह सकते हैं विचित्र जो लॉजिक है, तर्क है, उसके अलावे मतलब कि उनके हिज मतलब राज्यपाल के उनके विचित्र या बिगड़े हुए तर्क के अलावे, मिस्टर कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड, उनका एक इतिहास रहा है। किसका इतिहास रहा है? ऑफ प्रिविलेजिंग हिज पॉलिटिकल फिल्टीज ओवर नॉर्म्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि उनका एक इतिहास रहा है अपने उनका जो अपना जो पॉलिटिकल फिल्टीज है, पॉलिटिकल फिल्टीज मतलब राजनीतिक निष्ठा, यानी कि आप किसी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं, एक तरीके से एलिजियंस किसको जिसको कह सकते हैं, मतलब किसी के प्रति निष्ठा होता है ना कि स्वामी भक्त टाइप का, तो ये जो पॉलिटिकल फिल्टीज है उसको जो है वरीयता देने की उनका एक इतिहास रहा है। किस चीज़ पर? ओवर नॉर्म्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो ऑफिस को पद ग्रहण कर रहे हैं उसके अपने एक नॉर्म्स हैं, उसके एक अपने प्रॉपर्टी हैं, यानी कि नॉर्म्स कह सकते हैं एक आदर्श कह सकते हैं या मानक या स्टैंडर्ड कह सकते हैं, और प्रॉपर्टी मतलब कि जो शिष्टाचार है वहाँ का वो कह सकते हैं। तो उनका जो एक आदर्श और शिष्टाचार जो है उसके ऊपर राजनीतिक निष्ठा को जो है वरीयता देने की एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनका एक इतिहास रहा है, वो ऐसा करते रहे हैं, ठीक है? ऐसा किसके अनुसार है? इस एडिटोरियल के अनुसार है। नवंबर 2019 में ही हेल्ड अ स्वेरिंग इन फॉर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस एज द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर इन अ ड्यूबियस अटेम्प्ट टू प्रीएम्प्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ शिवसेना लेड अलायंस गवर्नमेंट। कहा जा रहा है 2019 में जो है उन्होंने क्या किया, उसने हेल्थ मतलब के स्वेरिंग इन मतलब शपथ दिलाई, किसको मतलब शपथ दिलाने का एक आप कह सकते हैं आयोजन किया उसने, शपथ समारोह का आयोजन किया। ही हेल्ड स्वेरिंग इन फोर किसके लिए? बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस के लिए, किसके रूप में? स्टेट का चीफ मिनिस्टर या राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में देवेंद्र फडणवीस को मतलब जो कि बीजेपी लीडर हैं उसको शपथ दिलाने के लिए उसने एक सभा आयोजन किया, ठीक है? जो कि एक ड्यूबियस अटेम्प्ट था, एक बड़ा संदिग्ध कोशिश थी, एक प्रयास था क्या करने के, रोकने की, किस चीज़ को रोकने की? द फॉर्मेशन ऑफ ए शिवसेना लेड अलायंस गवर्नमेंट, यानी कि शिवसेना की अगुवाई में जो बनने वाले जो गठबंधन सरकार जो थी उसके गठन को रोकने की, यह एक संदिग्ध या मतलब एक डाउटफुल एक ड्यूबियस अटेम्प्ट था। तो उसके लिए जो है इन्होंने जो है एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मतलब कि शपथ भी दिलवा दी थी
चीफ मिनिस्टर के रूप में। और उनके बाद कुछ दिन के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस को जो वो मतलब कि ये नहीं कर पाए थे, अपना नंबर साबित नहीं कर पाए थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ही कंटिन्यू टू वेड इन टू पोलिटिकल कंट्रोवर्सीज। देखिए वेट का मतलब होता है क्या होता है, जैसे पानी है या फिर जो कीचड़ है उसमें जो आप कठिनाई से चलते हैं उसको वेट कहा जाता है। लेकिन वेट इनटू समथिंग का मतलब क्या होता है, टू बिकम इन्वॉल्व, किसी चीज़ में शामिल हो जाना। तो वो जो है लगातार क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं, इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, वो जो है राजनीतिक विवादों में घिरते रहे हैं या उसमें शामिल होते रहे हैं इन ए मैनर, एक ऐसे तरीके में जो कि अनबिकमिंग है उनके ऑफिस के लिए, उनके पद के लिए अनबिकमिंग। अनबिकमिंग का मतलब क्या होगा, नॉट सुइटेबल, जो उनके पद के लिए जो है वो बिल्कुल शोभा नहीं देता, वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मिस्टर ठाकरे राइटली रिमाइंडेड द गवर्नर ऑफ द फैक्ट दैट सेकुलरिज्म वॉज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल वाइल बींग सेंसिटिव टू देयर बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स। मिस्टर ठाकरे ने सही रूप से जो है उनको याद दिलाया, मतलब कि गवर्नर को याद दिलाया इस तथ्य के बारे में कि सेकुलरिज्म जो होता है, धर्मनिरपेक्षवाद जो है वो क्या है, एक की कॉम्पोनेंट है, एक जो है आप कह सकते हैं मुख्य घटक है संविधान का। और किसके बारे में याद दिलाया उसने, उस आवश्यकता के बारे में जिसमें लोगों की जो है देखभाल करनी है, टू टेक केयर ऑफ पीपल, जबकि सेंसिटिव भी होना है, संवेदनशील भी रहना है सरकार को उनके मान्यता के प्रति, उनके विश्वास के प्रति और उनके भावनाओं के प्रति, ठीक है ना, उनकी भावनाओं और उनके विश्वास के प्रति सेंसिटिव रहते हुए, संवेदनशील रहते हुए लोगों का जो है केयर भी करना है, उसका देखभाल भी करना है, और इसकी आवश्यकता के बारे में गवर्नर को याद दिलाया, रिमाइंड करवाया, ठीक है। मिस्टर ठाकरे ऑल्सो डिसेंडेड इंटू अवॉइडेबल ग्रांड स्टैंडिंग इन द लेटर बाय रीइटरेटिंग हिज ओन हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स एंड रीविजिटिंग अर्लियर टसल्स विद द गवर्नर। मिस्टर ठाकरे जो हैं, श्री ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे, वो खुद भी जो है डिसेंडेड इंटू अवॉइडेबल ग्रांड स्टैंडिंग इन द लेटर। लेटर में जो ग्रांड स्टैंडिंग, ग्रांड स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, दिखावटा, नुमाइसी, जिसको दिखावटी या फिर नुमाइसी कहते हैं जिसको, यानी कि ऐसा ऐसा चीज करना जिससे दूसरे के अटेंशन को, दूसरे की वाहवाही को जो है आप लेना पसंद करते हैं, वो उसे कहते हैं ग्रांड स्टैंडिंग। तो मिस्टर ठाकरे भी जो है उसी में उतर गए, उसी में मतलब कि उसी दिखावटीपन में उतर गए इस मतलब लेटर में जो कि लिखा गया मिस्टर ठाकरे के द्वारा गवर्नर को। कैसे वो उतरे, तो बाय रीइटरेटिंग, यानी कि दोहराते हुए अपने अपने हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स को, यानी कि जो उनका जो हिंदुत्व शाख है उसके उसको जो है स्वयं मतलब कि दोहराते हुए, और क्या करते हुए, रिविजिटिंग अर्लियर टसल्स, जो पहले के जो झगड़े थे, पहले की जो लड़ाई थे, पहले के जो संघर्ष थे उसको दोहराते हुए, जो गवर्नर के साथ था उनका, उसको भी दोहराते हुए जो है मिस्टर ठाकरे जो है वही ग्रांड स्टैंडिंग का उन्होंने भी सहारा लिया, मतलब वो भी वहीं पर उतर गए, मतलब कि डिसेंडेंट मतलब नीचे उतरना, ठीक है ना, एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका भी पतन हुआ है इस चीज़ को देखकर कि मिस्टर ठाकरे जो हैं वो अवॉइडेबल, जिसको टाला जा सके, ऐसे ग्रांड स्टैंडिंग में वो भी उतर गए लेटर में, यानी कि पत्र में। कैसे उन्होंने उतरा वो, कि उन्होंने जो है अपने हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स को जो है दोहराया, ठीक है, और मतलब कि जो उनका गवर्नर के साथ जो चल रहे टसल्स जो थे, जो झगड़े थे, उसको भी उन्होंने बताया, ठीक है ना, फिर से बताया। तो इस तरह जो है वो वहीं पर उसी ग्रांड स्टैंडिंग में उतरे। एनसीपी चीफ, एनसीपी की जो चीफ है, नेशनलिस्ट कांग्रेस जो पार्टी है, वो क्या है, चीफ जो है जिसको राकपा कहा जाता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके जो प्रमुख हैं शरद पवार, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो है उन्होंने क्या किया, कॉल्ड आउट द गवर्नर्स इल एडवाइज्ड मूव इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक लेटर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संबोधित किए गए थे उसमें जो है गवर्नर के इल एडवाइस, मतलब कि ये जो बेकार सा जो ये कदम है उसको जो है उसमें जो कॉल आउट किया है, मतलब उसको बताया है लेटर में, मतलब प्राइम मिनिस्टर को संबोधित किए गए जो एक पत्र है उसमें
एनसीपी की जो चीफ हैं शरद पवार जो है, दूसरी तरफ मतलब गवर्नर के इल एडवाइज मूव को बताया है, जिसमें जो है उन्होंने क्या किया है, इन विच ही एक्सप्रेस शॉक, जिसमें उन्होंने जो है शॉक और सरप्राइज व्यक्त किए हैं दैट द लेटर वाज रिलीज टू द मीडिया। ये शॉक और सरप्राइज क्यों व्यक्त किए उन्होंने, क्योंकि ये जो लेटर जो है वो मीडिया को जारी कर दिया गया था। द गवर्नर कुड कन्वे हिज व्यूज टू द सीएम। गवर्नर जो है अपने व्यूज को जो है, अपने विचार को जो है सीएम को मतलब कि कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, बट द काइंड ऑफ लैंग्वेज वॉज अनसुटेबल। ठीक है, कहा जाता है मतलब कि एडिटोरियल कहता है गवर्नर जो है वो अपना व्यूज को, अपने विचार को सीएम को बता सकते हैं, बट द काइंड ऑफ लैंग्वेज, लेकिन जिस प्रकार की जो भाषा है, ठीक है, जिस प्रकार की भाषा का जो यूज किया गया है वॉज अनसुइटेबल, वो बिल्कुल अनुपयुक्त था फॉर समवन, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को धारण करते हैं, यानी कि संविधान संविधान संवैधानिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए जो है इस प्रकार का लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल अनुपयुक्त था। ठीक है ना, मिस्टर पवार जो है पॉइंटेड आउट, मिस्टर पवार ये एडिटोरियल नहीं करा है, ये मिस्टर पवार ने कहा है, ठीक है, पॉइंटेड आउट ने कहा है या फिर इशारा किया है, मिस्टर पवार ने कहा है क्या क्या है कि गवर्नर जो है वो अपना व्यूज सीएम को दे सकते हैं, अपने विचार को बता सकते हैं सीएम को, लेकिन जिस प्रकार का लैंग्वेज जो है उन्होंने यूज किया है, काइंड ऑफ लैंग्वेज वॉज अनसुटेबल, वो बिल्कुल अनुपयुक्त है, अनुचित था फॉर समवन, वैसे व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पर आसीन है या धारण करते हैं। महाराष्ट्र इज फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट कोविड-19। महाराष्ट्र जो है वो एक लड़ाई लड़ रहा है कोविड-19 के खिलाफ, एंड ऑल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, और जितने भी सारे कदम हैं इस संबंध में मस्ट बी बेस्ड इंटायरली ऑन अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। वो जो होना चाहिए सिचुएशन, सिचुएशन यानी कि स्थिति के उचित विश्लेषण के आधार पर होनी चाहिए, यानी कि ये जो है प्रॉपर एनालिसिस मतलब उचित विश्लेषण किसका, सिचुएशन का, ठीक है ना, इंटायरली। तो ये जो सारे स्टेप्स जो हैं, जितने भी कदम हैं इस संबंध में, इन दिस रिगार्ड मस्ट बी बेस्ड, वो आधारित होना चाहिए पूरी तरह से उचित विश्लेषण पर स्थितियों के, ठीक है ना, स्थितियों के उचित विश्लेषण पर जो है पूरी तरह से वो आधारित होना चाहिए। एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन, किसी भी प्रकार का राजनीतिक विचार कैन ओनली बी डैमेजिंग, वो जो है वो क्या हो सकता है, डैमेजिंग हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, एंड अ कॉमनल वन, और जो कॉमनल विचार है, वन मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन, ठीक है ना, और जो कॉमनल वंस है जो, ठीक है ना, विल बी डेंजरस, वो जो मतलब सांप्रदायिकरण वाला जो विचार होता है वो खतरनाक हो सकता है या खतरनाक होगा। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दैट गवर्नर शॉट टू इंसर्ट हिमसेल्फ इन टू द सिचुएशन इन एन एक्सट्रीमली अनहेल्पफुल मैनर, यानी कि ये जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल जो है उन्होंने चाहा, शॉर्ट में चाहा अपने आप को डालना किस चीज में, ऐसी स्थिति में जो कि बिल्कुल मतलब इस टाइप की स्थिति में जो है, इनटू द सिचुएशन, इस स्थिति में खुद को डालना चाहा राज्यपाल इन एन एक्सट्रीमली अनहेल्पफुल मैनर, मतलब बिल्कुल बेकार, मतलब बिल्कुल मतलब बेहद बेकार तरीके से, मतलब कि अनहेल्पफुल का मतलब बेकार या अनैतिक तरीके से जो है उन्होंने इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अपने को डाला, ठीक है ना। ही मस्ट रिट्रीट, उनको जो है वापस आना चाहिए, अपना कदम जो है वापस लेना चाहिए, एंड लेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो काउंसिल जो मंत्रिपरिषद है वहाँ के और चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के, उनको डिसीजन लेने देना चाहिए, टेक डिसीजंस, ठीक है ना, लेट मतलब अलाउ, ठीक है, तो लेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर टेक डिसीजन, उनको जो है उन्हें मतलब कि डिसीजन लेने देना चाहिए, दैट दे कंसिडर, जो वे समझते हैं अप्रोप्रिएट, उचित और टाइमली, समय पर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का एडिटोरियल, आपको लगा कैसा वो अपना फीडबैक दें, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, इजाज़त दें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।